हमने तो ये कहा मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन हम तो नेता विरोधी दल हैं और जो उन्होंने कहा वो चाचा भतीजा तो विधानसभा में नहीं ना चलता है, तो नेता विरोधी दल और वही होता है। पहले खड़क रहते थे। आप देखिए, आप देखिए जो कयास लगाए जा रहे हैं उसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब अरविंद केजरीवाल जी अगर गृह मंत्री के साथ चीजों को सुधारने में अगर बैठक किए हैं और अगर हम जो जनता से कमिट किए थे कि बिहार में एनआरसी एनपीआर नहीं होने देंगे और मुख्यमंत्री के वादों को गिनाएंगे, अगर उस सिलसिले में अगर हम मुख्यमंत्री से मिले कि भाई प्रस्ताव लाइए, ये तो आपका वचन था और हमने बार बार याद दिलाया, और तो इसमें कौन सी बुरी बात? ये तेजस्वी जी, आप ही कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री परेशान है, चिंता में है, तो ऐसे में क्या महाभाषण इसलिए सुन रहे थे कि हम अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे कि 7 करोड़ नौजवानों को कितना रोजगार देंगे, नहीं मिला। और हमने तो अपनी चीजों को जो संशोधन जो है विपक्ष द्वारा उसको भी हमने बोला कि इंक्लूड होना चाहिए, हालांकि मत में जो भी हो, लेकिन आप देखिए ना, सुनने पे तो ये लग रहा था कि कितना झूठ का पुलिंदा है। अब वो आंकड़ा गिना रहे थे, बोल रहे थे गवर्नर साहब ने ये बताया है। अरे भैया, गवर्नर साहब को लिख के किसने दिया है? तो सरकार अपनी गलती थोड़ी ना मानेगी, वो तो कागज का एक पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। और उसमें से भी कौन सी योजनाएं बता रहे थे भैया? वही योजनाएं बता रहे थे जो ज्यादातर योजना महागठबंधन का था, उसमें नया क्या था? अब कुछ योजनाएं ऐसी चली हैं जो भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला योजना है, सबको पैसा दो, चुनाव आ रहा है पैसा दो, चुनाव आ रहा है पैसा दो, तो ठगने का काम कर रहे हैं। आप शिक्षा पे कुछ नहीं बोले, आप बार बार 15 साल की तुलना करते थे। हमने बोला कि बिहार जब लालू जी के हाथ में मिला था 27 करोड़ नुकसान में था, गांधी मैदान गिरवी था, उस समय की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां अलग थी। जब हैंड ओवर किया गया 2005 में नीतीश कुमार जी को तो 37 करोड़ सरप्लस था। अब जो है प्रति व्यक्ति जो आय है वो 3 गुना राष्ट्र का बढ़ा हुआ है, हम कहाँ है? 15 साल में आपने क्या किया? जो कर्ज है प्रति व्यक्ति आय बिहार का वो 1.25 लाख हो गया, पहले 5,000 था 2004 में। इस पे तो जवाब सुनने के लिए बैठेंगे नहीं बैठेंगे? मुलाकात के बाद बीजेपी के नेता नहीं, तो आप ही लोग सवाल पूछते कि भैया आप जो है अपनी बात करके चलेंगे? सीधा सवाल महागठबंधन में नीतीश जी की वापसी संभव है या आप स्वागत करेंगे? आप फिर वही बात, जो लोग थक चुके हैं, जो लोग लड़ नहीं सकते भाजपा आरएसएस से, डेड फोर्सेस का हम क्या करेंगे? अरे भाई, जब आपने आप एक बात समझिए ना, जो डेड फोर्सेस है उनका हम क्या करेंगे? परेशान हो जाती है क्यों? जब आप नीतीश जी के साथ चाय पीते हैं तो भाजपा वाले बड़ी परेशान हो जाते हैं। अब हम नहीं कह सकते, इस पे हम कोई नहीं कह सकता। कल बोल रहे थे भाजपा क्या सोचती है करते, कहना कि धोखा हुआ, आप लोग जिस तरीके से चुपके से मुलाकात कर लिए और बीजेपी चुपके से क्या, आप सबके सामने ही हुआ है। अरे भैया, प्रस्ताव लाना है, हमने हाउस में एक चीज कही थी, आप अगर ध्यान दें कि अब आपसे भरोसा नहीं होता, हम लोगों ने आंख मूंद करके विश्वास किया था, आप जो प्रस्ताव लाएगा हमको दिखा दीजिएगा, बोला था ना, तो हम वही उसी सिलसिले में गए थे। और वो प्रस्ताव जो है सहसहमति से पास हुआ, हम लोगों ने जो कमिट किया था। देखिए, अगर आप उनकी कमियों को गिनाएं तो चीजें हैं सब, दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। जो विपक्ष के सवाल उठाए, चाहे जातीय जनगणना को लेकर के 13 फरवरी को, जनवरी या फरवरी को जो एक दिन का जो सत्र था, 13 जनवरी को, तो उसमें हम लोगों ने 2 चीजें उठाई थी। SC ST का जो था, हमने कहा था इसको परमानेंट कर देना चाहिए, क्यों 10 साल बाद बार बार जो है रिन्यूअल करना पड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हमने NRC को लेकर के की थी कि प्रस्ताव जो है आप पारित कीजिए, उस समय भी हमने कहा था, उस समय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को माना था, मानना ही पड़ता, और NPR को लेकर के जो हमने बातें कही थी वो मानना पड़ा। तो जो विपक्ष ने जो हम लोगों ने सवाल उठाए उसको आप झुठला तो नहीं सकते, यानी हम लोगों ने ईमानदारी से सच बोला और मानना पड़ा। और बिहार पहली देश की
ऐसी राज है, देश का राज है जहाँ बीजेपी शासित होते हुए जो है रेजोल्यूशन सर्वसहमति से पास किया गया। अब ये मेरा जो जिम्मेदारी था वो पूरा हुआ एनपीआर एनआरसी को लेकर के। अब हमारा काम है लोगों के, नौजवानों को, बेरोजगारी को दूर करना, बिहार में विकास की बात करना, प्रोग्रेसिव बात करना, पॉजिटिव चीजें करना, इस पे हमारा ध्यान है। बिहार के जनता के अवामों की गरीबी को दूर करना, इस पे हम लोगों का काम रहेगा। अब बीजेपी वाले क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं, अब ये जाने भाई। हमसे कोई पूछ के गए थे नहीं ना, हम तो उस समय जो है प्रधानमंत्री बनाने की तक की बात करते थे। हालांकि जो भी है तो सब चीजें बातें इस पे देखे आगे कोई कोई, कोई आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? अरे भाई आप लोग एक बात बोले, आप एक बात समझ जाइए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना गवर्नमेंट में। चार साल में स्टेबिलिटी रहा है, चार साल में चार सरकार देखा है,